जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी आर टू बी एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं परसेंटेज का पार्ट टू टाइप वन प्रारंभ करता हूँ। जो हमने पार्ट वन में हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन निकालना बताया था, और आज हम परसेंटेज का टाइप वन से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सवाल देखते हैं, तो पार्ट टू और टाइप वन। अब दिया क्या है सवाल में, दिया गया यदि की संख्या में हम उसका 16 / 2/3 परसेंटेज जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सवाल क्या दिया है, यदि की संख्या हमें संख्या पता नहीं है तो हमें संख्या पता नहीं है तो हम उसका 16 / 2/3 परसेंट जोड़ देते हैं। अगर हमें परसेंटेज दे दिया तो हम डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 16 / 2/3 परसेंटेज दिया है, तो अगर इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन निकलेगा 1/5 कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। कितने 1/6 निकलेगा, तो हम जो 6 दिया है इसको हम संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 6 हमारी क्या है, संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या दिया है कि 16 / 2/6 का 16 / 2/3 परसेंटेज का मान कितना निकला, 1 निकल गया। कितना निकल गया, अगर शेष संख्या कितना है, संख्या 6 दिया है, 6 का 16 / 2/3 परसेंट का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब बोला क्या है, संख्या कितना दिया, संख्या दिया है। ठीक है, और 16 / 2/3 परसेंट जोड़ देते हैं, 16 / 2/3 का मान कितना निकला, 1 निकला, तो 1 हो गया। और बटे में संख्या कितना दिया है, 6 दिया है, तो ठीक है 7/3 में कितना निकल गया, कितना निकल गया, ये 6 निकल गया। यही 7/7 कितना हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा, 7/6 हो जाएगा। तो जोड़ने पे कितना जोड़ते हैं, तो कितना जोड़ते हैं तो हमें 42 प्राप्त होता है। जोड़ने पे कितना और प्राप्त हो रहा है, 4200 प्राप्त होता है। ठीक, कितना प्राप्त होता है, 4200 प्राप्त होता है। तो ये कितना गुना है, 7 × 42 कितना गुना है, 600 गुना है। तो हमारी भी संख्या भी होगी, उसको भी क्या करेंगे, 600 गुना करेंगे। संख्या भी कितना गुना करेंगे, 600 गुना करेंगे, तो 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। संख्या कितना निकल गई, 3600 हमारी क्या हो जाएगी, संख्या। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया है, इसी पे आधारित दिया है कि यदि 3264 में हम उसका 12 / 1/2 परसेंट जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस सवाल में उसमें तो हमें संख्या ज्ञात करना था, इसमें क्या संख्या दे दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया, फ्रैक्शन दे दिया है, तो फ्रैक्शन को हल करते हैं। अरे परसेंटेज दिया, उसको फ्रैक्शन को हल फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, कितना दिया, 12 / 1/2 परसेंट का मान निकलेगा 1/8 का। कितना निकलेगा, 1/8। तो हम मान लेते हैं जो हमारे जो हम मानते क्या है कि जो हमारा जो 8 है ये हमारी क्या है, संख्या। कितना हमारी क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या। अब बोला क्या है कि 12 / 1/2 परसेंट क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 का 12 / 1/2 परसेंट दिया, कितना दिया, कितना दिया, 8 का 12 / 1/2 परसेंट का मान कितना दिया, 1 दिया है। उसको जोड़ने पर क्या, 1 प्लस संख्या कितना दिया, 8, और बटे में कितना निकल गया, 8 हो जाएगा। तो जोड़ने पे क्या दिया, 9/2 में कितना निकल गया, 8 निकल गया। कितना 9/8 निकल गया, तो 9/9 कितना निकल गया, 8 दे दे। कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है, हमें तो संख्या दिया है, कितना दिया है, संख्या हमें कितना दिया है, दे दिया है। संख्या कितना दिया, 3264 दिया। कितना दिया है, 3264। ये कितना गुना है, गुना कितना है, 8 × 32 = 8/64 कितना हो गया, 64 कितना गुना है, 408 गुना है। तो जो 408 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे, 408 गुना भी कर देंगे। कितना कर देंगे, 408 गुना करेंगे। ठीक है, इसको भी जब गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना, 3672। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त, 3672, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि दिया है कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 / 2/7 परसेंट घटा देते हैं, तो 14 / 2/7 परसेंटेज दे दिया है, तो जब क्या दिया है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/7 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1/7 निकलेगा। ठीक है, कितना 1/7 निकलेगा। ठीक है,
अब बोला क्या है क्वेश्चन, तो ये हमारी क्या है संख्या है, हमारी क्या है ये संख्या है, ठीक है। तो सात का 14 से 2 बटे के 7 का मान कितना निकला है, एक निकला है। दिया क्या है क्वेश्चन कि क्या कर कि हम 14 से 2 बटे के 7 संख्या में से 14 से 2 बटे के 7 घटा देने पे, 14 से 2 बटे के 7 का मान कितना निकला, एक निकला है। तो एक घटाने की बात करते, एक घटा देंगे और संख्या कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। घटा देने कितना निकला, 6 बटे के 7 हो गया। अब दिया क्या है, घटाने पे हमें 1224 प्राप्त होता है, ठीक है। 1224 घटाने के बाद 1224 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त, 1224 प्राप्त होता है। तो कितने गुना है, 6 गुना के 12 0 6 4 24 कितना गुना है, 204 गुना है। तो संख्या कितना दिया, 7 दिया, तो इसको भी 204 गुना कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 के लिए कितना बचा, 2 बचा, तो 0 कितना, 2 हो जाएगा, 7 गुना के 14। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1428 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसी तरह से क्या ये भी क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। अब दिया गया कि यदि 3236 में से हम उसका 11 से 1/9 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 11 से क्या दिया, 11 से 1/9 परसेंटेज दिया है। जब इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका मान कितना निकला, 1/9 1/9 होगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9 हो जाएगा। तो दिया क्या है कि अब यहाँ देखते हैं कि 9 का 11 से 1/2 परसेंट का मान कितना निकला, एक निकला है, ठीक है। तो क्या दिया है कि 11 से 1/9 घटा देने पे, क्या घटाने की बात कर रहा है, तो संख्या में से 11 से 1/9 का मान 1 आया, इसको घटाने की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना, तो 8/ कितना निकल जाएगा, 9 8/9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/ कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, ठीक है। घटाने पे, अब घटाने की बात कर रहा है कि 8/9 हो गया, तो हमें संख्या दे चुका है, संख्या कितना दिया, दे चुका है हमें 72, कितना दिया है, 36 दे चुका है। तो संख्या हमें दे चुका है, कितना दे चुका है, ठीक है, कितना दे, संख्या दे चुका हमें, कितना दे चुका है, 72 36 दे चुका है। तो कितना गुना है, तो गुना कितना है, ठीक है, कितने गुना है, अगर इसे डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 0 9 4 36 कितने गुना है, 804 गुना है। तो ऊपर वाली संख्या भी कितना गुना करेंगे, 804 गुना करेंगे, तो इसका जब गुना, जब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32 32 को कितना होगा, 32 को कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, केरी कितना हो जाएगा, 3, तो मल्टीप्लाई कितना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8/64 कितना हो जाएगा, 8/64 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6432 हमें क्या होगा, ये आंसर हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इतना प्राप्त हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 में, अब क्या करते हैं, पार्ट 3 में अब अगला टॉपिक मतलब लाएंगे, जिसे हमें जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।